हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को या मेरे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा का वचन आप तक पहुंच सके, खुदा की प्रेयर की वीडियोस यूरोप से आप तक, किसी भी देश से, किसी भी कंट्री से, स्टेट से आप मुझे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो वीडियोस और खुदा का बहुत सुंदर वचन वो आप तक पहुंच सके, अच्छी टीचिंग्स आप तक पहुंच सकें, जिससे हम यूथ को इनकरेज कर सकें राइट मैसेज के लिए। ये मेरा एजेंडा है मेरे चैनल के ऊपर। आज का जो टॉपिक है गाइस, वो ये है कि क्रिश्चियनिटी क्या चीज़ है। What is a Christianity? Christianity के बारे में लोगों ने उसे एक धर्म बनाया हुआ है, या कई लोग उसे धर्म मानते हैं, बट बाइबल के अकॉर्डिंगली Christianity कोई भी धर्म नहीं है। पूरी बाइबल के बीच में क्रिश्चियन वर्ड कहीं नहीं लिखा, पूरी बाइबल के बीच में ईसाई वर्ड कहीं नहीं लिखा, पूरी बाइबल के बीच में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि तुम क्रिश्चियन लोग दुनिया से अलग हो, या तुम्हारे पे को टैग लगा हुआ है। क्रिश्चियन लोग वो हैं गाइस जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर का बेटा है जिसके ऊपर एक क्रिश्चियन विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकली उनके साथ बहुत तगड़ी बीमारियां लोगों की दुनिया में हील हुई हैं, बहुत बड़े बड़े उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल टेस्टिमनीज क्रिएट हुई हैं। हम इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे, बहुत सारी टेस्टिमनी शेयर करेंगे, ताकि हम आपको ये बता सकें कि परमेश्वर कैसे काम करता है। एक बात मैं आज आपके साथ बोलना चाहता हूँ गाइस, आपने हमेशा एक बात नोट करी होगी, अगर आप किसी क्रिश्चियन बंदे के कांटेक्ट में आए हैं और आप किसी भी कंट्री से, किसी भी स्टेट से, किसी भी गली नुक्कर से ये वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी भी क्रिश्चियन इंसान के पास जाएंगे, आप उसको अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, वो इंसान आपको एक ही बात बोलेगा, ब्रदर सिस्टर, मेरे भाई मेरी बहन, आप खुदावंद यीशु मसीह से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपका हुआ है, और अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये आप जानते हैं, बट परमेश्वर आपको करवाए अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या वो लोग आपके धर्म से, आपको अपने धर्म से निकाल के दूसरे धर्म में लाना चाहते हैं? नहीं। क्या वो आपके धर्म से प्यार नहीं करते और अपने धर्म से प्यार करते हैं? नहीं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वो आपको प्रेयर के लिए बोलते हैं? क्योंकि बाइबल के बीच में ये लिखा है, ये एक सुसमाचार है, ये एक मैसेज है खुदा की तरफ से। इसका एक एक शब्द आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, इसकी एक एक बात आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तो इसीलिए वो क्रिश्चियन इंसान जब आपसे मिलता है तो वो आपको कहता है प्रार्थना करें, जब आपसे फ़ोन कन्वर्सेशन पे बात होगी तो वो कहेगा ब्रदर जीसस क्राइस्ट से प्रेयर करें, ब्रदर आप चर्च में आए, ब्रदर आप प्रार्थना करें। वो प्रार्थना आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, वो प्रार्थना, वो प्रेयर, क्योंकि जब आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ आते हैं, कैसे आते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, और कोई भी हम रीति रिवाज प्रेयर में नहीं यूज़ करते, हम सिंपल एक अच्छी क्वाइट प्लेस में खुदा के साथ खड़े होते हैं, बात करते हैं। आप अपने घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पे हैं आप खुदा के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे और जोड़ना चाहता हूँ गाइस, कि जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो आपको अपने एक्सपीरियंस के जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, या जो भी चीज़ आपको चाहिए, या जो भी बात आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में होनी चाहिए, परमेश्वर आपको वो एग्जाम्पल दे के आपके साथ रूबरू हो के बताएंगे कि वो आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं। सिर्फ इतना है, आपको फेथ करना है। आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, कि प्रभु यीशु मसीह का वचन बाइबल, आप बाइबल पढ़ें, आप बाइबल पर विश्वास करें, आप बाइबल के साथ जुड़ें, खुदावंद आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। मेरा आज का जो एजेंडा है इस वीडियो पे, वो ये है कि मैं आपको बाइबल से इंट्रोड्यूस कराऊं, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताऊं। इसीलिए कोई भी धर्म जाति का यहाँ लिंक नहीं है। सब दुनिया का हर एक इंसान, जिसे इंसान कहा जाता है, हर एक मैन, हर एक वुमन, हर एक बच्चा, हर तरह का जो ह्यूमन बीइंग है, वो वेलकम है प्रभु यीशु मसीह में। खुदावंद आपसे बेहद प्यार करते हैं, खुदावंद आपकी फैमिली से बेहद प्यार करते हैं,
आपने ये देखना है आप कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप उससे जितना जुड़ेंगे वो आपके आपकी लाइफ में उतने अच्छे अच्छे काम करेंगे। जिस ग्रुप पे आप ये देख रहे हैं, जिस फेसबुक पेज पे आप ये वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत सारी टेस्टिमनीज मेरे चैनल पे देख सकते हैं और भी आएंगी, टीचिंग्स भी आएंगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम डालेंगे ताकि हम यूथ को इनकरेज कर सकें। बेसिकली आज यूथ नशों में है, आज यूथ गलत ट्रैक पे है और मेरा एजेंडा ये है कि मैं अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग को, अपनी एज को यूज़ करते हुए उस तरह के लोगों को गाइड कर सकूं जो गलत कंपनी में हैं या जो फोकस्ड नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम से बाहर आएं। ये हमारा एजेंडा है इन वीडियोस को बनाने का, ताकि मैसेज आप तक पहुंचे, आप बड़ी बड़ी आशीष को पा सकें। क्रिश्चियनिटी कोई भी धर्म नहीं बदलती, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन बदलेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं, वो आपका नाम जानते हैं, वो आपकी रूह को जानते हैं, वो आपके रिलीजन को नहीं जानते क्योंकि रिलीजन उन्होंने नहीं बनाया, वो आपको एज अ पर्सन जानते हैं और वो आपको एज अ पर्सन ब्लेस कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना गाइस हर इंसान के साथ, और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज को और हमारे ग्रुप को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाइक जो भी आप करना चाहते हैं प्लीज़ उसको करें, ताकि हम ये मैसेज आगे आगे पहुंचा सकें। क्योंकि मेरा ये मानना है प्रभु यीशु मसीह आपसे और आपकी फैमिली से बहुतायत से प्यार करते हैं। आप उसे आजमा के देखिए, आप शर्मिंदा नहीं होंगे, आप सिर्फ टेस्टमनी के साथ, गवाही के साथ, चंगियाई के साथ ही वापस आएंगे, ये मेरा बिलीफ है। सारा इज्जत सारी जलाल सारी महिमा देकर हम आज के वीडियो को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको ब्लेस करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे, बहुतायत रूप से आपको ब्लेस करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, शलोम, बाय बाय।